Hello students, now today I teach you how to make diagram of excretory system. It's very simple. समझना excretory system को तो human excretory system का diagram भी बनाना आना चाहिए. First of all, what is excretion? Excretion means removal of waste through the body, as we have discussed in last lecture. And excretory system means a system which consists of excretory organs. And excretory organs, these are those organs which are involved in the process of excretion. बेटा excretion क्या होता है? Waste को remove करना. और excretory organs वो organs जो excretion process में involved होते हैं, जो excretion का काम करते हैं, waste को remove करने का काम करते हैं. और excretory system एक system है जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मिलजुल कर एक टीम वर्क करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं वेस्ट को रिमूव करने का. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू मेक डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट्स वेरी सिंपल. बनाइए बेटा मेरे साथ अपनी नोटबुक्स में सभी स्टूडेंट्स. इस तरह से शेड कर सकते हैं. दिस इज ऑर्टा. आपने पढ़ा था ऑर्टा में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड. ब्लड ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन. वेसल्स है, ये ऑर्टा डिवाइड हो जाते हैं आर्टरीज में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं. इसे हमने रेड कलर से शो किया, आप इजीली समझ जाओगे. वेना कावा, वेना कावा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा आपने पढ़ा था. तो वेना कावा क्या है? वेन. वेना कावा क्या है? वेन. और वेना कावा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है. मींस इस इन वेना कावा वेन्स इनमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या होती है? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड. यह क्या है? वेना कावा. ये वेन्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, इनमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. पहले पढ़ चुके हो. तो पूरा का पूरा सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में आपने पढ़ा. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और अब हम करें एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके देन अभी भी बहुत कुछ है समझने को. ये क्या है राइट, ये मेरा राइट जैसे हार्ट में किया राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी और किडनी इसके एक टर्म यूज होते हैं रेनल. क्या यूज होती है रेनल. और ये क्या है एड्रेनल ग्लैंड्स. किडनीज पर क्या है एड्रेनल ग्लैंड्स. राइट राइट किडनी राइट किडनी लेफ्ट किडनी लेफ्ट किडनी. ओके और ऊपर क्या एड्रेनल ग्लैंड्स. बोथ आर एड्रेनल ग्लैंड्स. एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनल ग्लैंड्स. ठीक है एड्रेनल ग्लैंड. और किडनी के लिए क्या टर्म यूज होती है रेनल टर्म भी यूज होती है रेनल. ओके ये किडनीज हैं आप देख सकते हो जो लेफ्ट किडनी है इसका साइज कुछ बड़ा है और ये थोड़ा ऊपर है ऊपर से स्टार्ट हो रही है वो थोड़ा नीचे. राइट किडनी इज बिलो स्लाइटली बिलो एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी. लेफ्ट किडनी से राइट किडनी थोड़ा नीचे है और छोटी है और लेफ्ट किडनी कैसी है साइज में बड़ी है. ये क्या है रेड रेड मैंने दिखा है ऑर्टा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जो ब्लैक में शो किया ये क्या है वेना कावा इसमें क्या होता है वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ओके देन अब होता क्या है ऑर्टा से ब्लड आ रहा है ऑर्टा से ब्लड आ रहा है किडनीज में जा रहा है वो ब्लड. किडनीज क्या है किडनीज वर्क करती है एज अ फिल्टर. किडनीज वर्क करती है एज अ फिल्टर. किडनीज क्या है एज अ फिल्टर वर्क करते हैं फिल्टर. किडनीज वर्क एज अ फिल्टर. किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन. किडनीज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन नेफ्रॉन मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है नेफ्रॉन. क्या किडनी में एक नेफ्रॉन नो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है सिर्फ एक किडनी में. दूसरे किडनी में भी इतने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं. ये नेफ्रॉन्स क्या है फिल्टर्स हैं. ये फिल्टर करते हैं ब्लड को ऑर्टा से. ये ऑर्टा है ये डिवाइड हो जाएगी आर्टरीज में तो ये क्या करते हैं उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो भी वेस्ट बन रहा है उनको रिमूव कर देते हैं फिल्टर्स. ठीक है और वो वेस्ट रिमूव होने के बाद ब्लड किस में चला जाएगा वेन्स. वेन्स के थ्रू किस में जाएगा वेना कावा. ठीक है और फिर ऑक्सीजन लेने के लिए कहां चला जाएगा. ऑक्सीजन तो है नहीं इसमें अगेन लंग्स में. ओके और ऑक्सीजन लेने के बाद हार्ट से होते मतलब यहां से ऊपर जाकर ऑक्सीजन लेने के लिए पहले हार्ट की राइट साइड में देन लंग्स में ऑक्सीजन लेने के बाद फिर लेफ्ट साइड में और हार्ट से होते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑर्टा के थ्रू अगेन फिर क्या होगा ऑर्टा से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड है ऑक्सीजन फूड को ब्रेक कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है पर वेस्ट भी तो बन रहे हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है. इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं ऑर्टा में क्या इम्प्योर ब्लड. ऑर्टा में क्या इम्प्योर ब्लड क्यों. ऑर्टा में इम्प्योर ब्लड क्यों है क्योंकि इसमें है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट. नाइट्रोजन एन मीन्स नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट क्या है ऑर्टा में नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है वो किडनी में नेफ्रॉन्स है वहां पर रिमूव हो जाएंगे. ठीक है अभी बताते हैं कहां जाएंगे वो वेस्ट. ठीक है लेकिन उससे पहले ये देखो कि जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा फिल्टर होके वेन से वेना कावा से आगे सर्कुलेट हो जाएगा. प्योर ब्लड वेना कावा में कैसा ब्लड है प्योर ब्लड. वेना कावा में कैसा ब्लड होता है बेटा प्योर ब्लड. प्योर ब्लड चला जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट से होता है हार्ट की राइट साइड से लंग्स में. ओके अब ये देखो ये किडनी है इनमें नेफ्रॉन्स है. किडनी का साइज पूछ लिया जाता है
फिर भी इसकी लेंथ कैसी होती है, लेंथ ऑफ किडनीज नियर अबाउट 10 to 12 centimeter. कितनी? 10 to 12 centimeter. और थिकनेस मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 centimeter. लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर नियर अबाउट, और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर. और कुछ और भी है जो ये फिल्टर करेंगी, इसे थोड़ा और बड़ा दिखा देते हैं. जो आपको डक्ट दिख रही है, पाइपलाइन दिख रही है, ये क्या है? यूरेटर. 2 यूरेटर्स होती है बेटा. इसको अच्छे से बनाए. यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स है. यूरेटर, इट्स नेम इज यूरेटर एंड दिस इज यूरिनरी ब्लेडर. यूरिनरी ब्लेडर एंड दिस ओपनिंग इज यूरेथ्रा. दिस ओपनिंग इज यूरेथ्रा. ये यूरिनरी ब्लेडर क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना है. और ये यूरेथ्रा भी मस्कुलर है, मसल से बनी है. होता क्या है कि ऑर्टर से जो ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड, वो जाएगा किडनीज में. किडनी के अंदर क्या है? किडनीज में दोनों, और नेफ्रॉन्स. किडनीज में क्या? ढेर सारे नेफ्रॉन्स. और ये नेफ मींस नेफ्रॉन्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने. किडनीज में क्या? नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. कितने? एक किडनी के अंदर बात करें तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? ब्लड को प्योर बनाते हैं. इम्प्योरिटी कहाँ जाएगी? इम्प्योरिटी में मैंने आपको बताया था वाटर है, सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स. और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी में बनता है यूरिया. तो वो यूरेटर्स, इस किडनी में जो लिक्विड वेस्ट बन रहा है यूरेटर्स, और वो लिक्विड वेस्ट क्या कहलाता है? दैट लिक्विड वेस्ट इज कॉल्ड यूरिन. लिक्विड वेस्ट क्या कहलाता है? यूरिन. बोथ यूरेटर से यूरिन कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर हो जाएगा. 2-3 आवर्स तक स्टोर रहता है. 3-4 आवर्स रहता है आराम से, ठीक है? स्टोर रहता है, स्टोर होता जाएगा. फिर क्या होगा? यहाँ होगा कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. एरिया कम, वही कंसेप्ट रेस्पिरेशन में भी पड़ा, ब्लड सर्कुलेटरी में भी पड़ा, और यहाँ एक्सक्रीटरी में भी पड़ोगे. कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा. तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होने से यूरेथ्रा ओपन, इस ओपनिंग में से क्या होगा? यूरिन पास हो जाएगा. क्या पास होगा यूरेथ्रा में से यूरिन. यूरिन क्या? येलोइश लिक्विड वेस्ट, येलो कलर का लिक्विड वेस्ट, जिसमें क्या है? एमोनिया, सॉल्ट्स, आयंस है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इस तरह से वाटर है. 75% तो ये मान लो लगभग वाटर ही होता है, ज्यादातर वाटर ही होता है वेस्ट में. एमोनिया, नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स जो हम क्या है? टॉक्सिक है. अगेन देखो, ऑर्टा से इम्प्योर ब्लड आया, किडनीज में क्या हो गया? उनका फिल्ट्रेशन हो गया. ये किडनीज क्या है? ये नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. क्यों? किडनीज का अपना स्ट्रक्चर होता है ना? और किडनीज की क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट? नेफ्रॉन. किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन का फंक्शन. क्या फंक्शन है नेफ्रॉन का? क्या करता है नेफ्रॉन? नेफ्रॉन क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? ये फिल्टर करता है. नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्टर्स ब्लड. नेफ्रॉन किसको फिल्टर करता है? ब्लड को. नेफ्रॉन फिल्टर करता है ब्लड को. और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. कप शेप होता है और इसे इस तरह से ट्यूब, ठीक है? ये ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है. इस तरह से ऐसा होता है नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. नेफ्रॉन का अपना स्ट्रक्चर है और फंक्शन क्या है? कि ये ब्लड को
फिल्टर करता है। नेफ्रॉन क्या करता है? इट फिल्टर्स ब्लड। नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है। ऊपर से तो कप शेप का होता है और नीचे से ट्यूब की शेप का होता है। नेफ्रॉन जैसे ये ट्यूब है, फिर यहाँ से ऊपर, देन इस तरह यू शेप। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। अगर इसको डिटेल में समझना है तो 10th क्लास की वीडियो देख सकते हो आप मेरी, वहां से आपको पूरा स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, साथ में उसकी वर्किंग कैसे काम करता है। तो ये देखो बेटा, जो नेफ्रॉन्स है वो ब्लड को फिल्टर करें वेस्ट यूरेटर से, होते हैं वे किसमें? तो यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से रिलीज हो जाएंगे वो लिक्विड वेस्ट, और उन लिक्विड वेस्ट को हम क्या कहते हैं? यूरिन, येलोइश होते हैं। यूरिन कैसा होता है? येलोइश, येलोइश लिक्विड है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, सॉल्ट्स है, वाटर है मेनली। ठीक है, देखा होगा मॉर्निंग में आप यूरिन पास करते हो, येलोइश होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम उसके अंदर काफी ज्यादा वेस्ट होते हैं और बॉडी को वाटर की नीड है। अगर यूरिन येलो तो समझ लो बॉडी में वाटर की नीड है, और यूरिन का टेस्ट होता है तो बहुत सी चीजों का पता लगता है। यूरिन का कलर बहुत ज्यादा येलो, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ब्लड में, अगर यूजफुल कंपोनेंट में है तो फिल्ट्रेशन कैसे हो पा रहे, ठीक से नहीं हो पा रहे। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं यूरिन में, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यूरिन के कंपोनेंट से काफी चीजों का पता लगता है। बेटा किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन कई बार फेल हो जाती है। अब किडनी फेल हो जाए तो क्या हो? किडनी के फेल होने से दिक्कत है इसके, मान लो एक किडनी फेल हुई है तो एक किडनी फेल होने पर इंसान काम चला सकता है, लेकिन जिसकी दोनों फेल हो गई तो काम नहीं चलेगा। दो ही तरीके, मान लो मेरी किडनी खराब हो गई है तो हो सकता है भाई मेरे पास पैसा बहुत तो मैं ट्रांसप्लांट करवा लूं, कोई और हो मुझे मिल जाए जिसकी किडनी मेरी किडनी से मैच कर जाए तो वो मुझे अपनी किडनी डोनेट कर सकता है। काफी कॉस्टली होते हैं किडनीज, किडनीज की तस्करी भी की जाती है, आपको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो जो किडनीज होती हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल, एक केस तो ये हो गया। दूसरा आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड करना, ये क्या होता है? दिस प्रोसेस इज डायलिसिस। डायलिसिस मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ब्लड में से वेस्ट रिमूव करने के लिए, मान लो किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो वेस्ट कैसे रिमूव होंगे? नहीं होंगे, अंदर ही अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अंदर ही अंदर यूरिया बनता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होने वाली है। तो ऐसे में डायलिसिस प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होता है कि डायलाइजर, आर्टिफिशियल किडनी मीन्स डायलाइजर से कनेक्ट कर देते हैं, आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम से पर्सन को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो डायलाइजर क्या करेगा, इसे भी आप 10th क्लास की वीडियो में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, काफी डीपली समझाया हुआ है। डायलाइजर क्या करेगा? जो ऑर्टा में नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ऐसा सिस्टम होता है पूरे डायलाइजर के अंदर, ऐसा अपरेटस होता है, इस तरह का मीडियम प्रोवाइड किया जाता है कि जो ब्लड में इम्प्योरिटीज है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो रिमूव हो जाएंगे, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। जैसे किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, ऐसे डायलाइजर फिल्ट्रेशन करेगा ब्लड का। और जैसे कि ऑर्टा से आ रहा था इम्प्योर ब्लड, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाला ब्लड, वो जब प्योर हो जाएगा तो किस में जाएगा? वो वेन्स में, वेना कावा में चला जाता है, वेना कावा। तो ये सिस्टम पूरा प्रोसेस क्या, डायलिसिस, और जो डायलाइजर है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये डायलाइजर पूरा का पूरा ऐसा मीडियम होता है, उसमें ऐसे सॉल्यूशन होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं काफी यूजफुल होते हैं, जो हेल्प करते हैं इम्प्योरिटीज को अलग करने में। ओके, ये था डायलिसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।